भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया के नेतृत्व में निगम भिलाई के मुख्य द्वार पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया, जिसमें ठेकेदारों से 18% कमीशन खाने एवं निगम भिलाई क्षेत्र की दुर्दशा करने का आरोप नगर प्रशासन पर लगाया गया एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से निगम प्रशासन की पोल खोलने का प्रयास किया गया। निगम भिलाई के वार्डों में व्याप्त समस्याओं को लेकर भाजपाई पार्षदों ने जबरदस्त हल्ला बोल प्रदर्शन किया। निगम के सामने नेशनल हाईवे रोड पर फ्लाईओवर के ठीक नीचे मंच पर भाजपा के सभी पदाधिकारी इकट्ठा हुए, सैकड़ों की संख्या में विभिन्न वार्डों से आई जनता को संबोधित किया। शहर सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए गए। नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन करने के बाद बड़ी संख्या में मटके भी फोड़े गए। प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा निगम के सामने लगे हुए पुलिस के बैरिकेड को ध्वस्त कर दिया गया और पदाधिकारी निगम के मुख्य द्वार को जोर जोर से हिलाकर तोड़ने का प्रयास करने लगे। इस बीच कई बार पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में झूमा झटकी भी देखी गई। इस दौरान माहौल को थोड़ा शांत करते हुए पुलिस प्रशासन ने कुछ पदाधिकारियों को निगम में प्रवेश करने की इजाजत दे दी और उसके बाद प्रदेश और जिला पदाधिकारियों के साथ उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह ने 18 बिंदुओं का शिकायती ज्ञापन प्रभारी आयुक्त लक्ष्मण तिवारी को सौंपा। भाजपा नेताओं ने निगम भिलाई की शहर सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। प्रभारी आयुक्त ने पानी की समस्या को नकारते हुए अन्य सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की बातें कही हैं। यह नगर निगम में मजबूर किया था इसलिए आए थे। नगर निगम लगातार हमको मजबूर कर रही है, ना पानी की व्यवस्था हो रही है, नाली की व्यवस्था हो रही है, रोड में कचरा भरा हुआ है, तो सारी चीज़ें हैं, सारी समस्याओं को लेकर के आए हैं। आज पानी की इतनी किल्लत है, अब कैंप में आप रहने वाले हो, आप लोग कैंप कुर्सी पार सब जगह पर दो फुट का गड्ढा है तो खोद करके पानी निकाल रही है, और इतनी सारी व्यवस्थाएँ होने के बाद इतने पैसे मतलब लगने के बाद योजना लगा, इतना पैसा लगा है, लेकिन उसके बावजूद टैंकर सप्लाई करने की बात आ रही है। आज जबकि जितना पैसा खर्च हुआ है नगर निगम भिलाई में, उसके बाद तो पानी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज टैंकर से सप्लाई करने की बात आ रही है और जो गंदा पानी लोगों को मिल रहा है, साफ पानी आज भी नहीं मिल रहा है। आप सबको मालूम है शंखनाद यात्रा मैंने की थी, उस समय करीब 200 किलोमीटर की यात्रा की थी और एक एक वार्ड में घूमा था। जो समस्याएँ उस समय थी, अब वो समस्याएँ और बेकार हो गई। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए नगर निगम प्रशासन तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है। आज 18% कमीशन लिया जा रहा है। हर पार्षद परेशान है। जो पार्षद अपने अपने वार्ड में काम कराना चाहिए वो काम हो रहे हैं फिक्स ठेकेदारों के द्वारा। फार्म बांटे जा रहे हैं फिक्स ठेकेदारों को, वहाँ महापौर से आपके विधायक से और बाकी जो कांग्रेस के अधिकारी हैं उनके माध्यम से चिट्ठी आती है कि इन्हीं लोगों को टेंडर फॉर्म देना है, बाकी को टेंडर फॉर्म देना नहीं, और उन्हीं के माध्यम से टेंडर लोगों को मिलते हैं और वो 18% 20% कमीशन में काम करते हैं। जो ठेकेदार लंबे समय से बेचारे काम कर रहे थे और ईमानदारी से काम कर रहे थे, उससे भी रोजी चला रहे थे, वो सारे ठेकेदार नगर निगम से बाहर हो गए। बात की है 18 सूत्री जो दिया था इन्हें, इसके पहले जो अपने संगना दिया था, पहले अपन ने दिया था, तो सारे मुद्दों पर बात हुई है। कमिश्नर साहब एक तो 15 दिन के लिए आए हैं, वो तो उन्होंने बोला कि मैं जितना अधिक से अधिक कर सकता हूँ आपके दोनों ज्ञापनों को देख करके उसमें समस्याओं का समाधान करूँगा और विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्दी हमारा अधिकारी आपसे मिलेगा और आपको बताएगा क्या क्या काम हुआ। हमारा खुला आरोप है और हमने 15 साल में सब चीज़ें दी हैं, सड़क भी दी है, नाली भी दी है, पुल भी दी है, पुलिया भी दिए हैं और हमारे काम आपको सामने दिख रहे हैं जी रोड पर। ये हमारे भाजपा शासन के कार्य है। आज जितने अंडरब्रिज बने हैं सबका जो एस्टीमेट और काम चालू होने वाला मामला है वो सारा बीजेपी जमाने में हुआ है। रोड है, नाली जितनी बन रही है सब भाजपा जमाने में बन रही है। ये तो केवल फीता काटने का काम कर रहे हैं और नया काम इन्होंने कोई किया नहीं है, और आज केवल शराब घोटाले और कूलर घोटाले के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। सारे के सारे इन्वॉल्व हैं, किस किस का नाम बताऊंगा मैं, और ठेकेदार जो भुक्तभोगी हैं वो आपको बताएंगे, मिलो उनसे आप बताएंगे कहाँ कहाँ किस किस तरह से उनको काम नहीं मिल रहा है और क्यों नहीं मिल रहा है। पीयूष मिश्रा क्या कर रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है जिसको लेकर कर रहे हैं, और अभी वो आंदोलन चल रहा है, वहाँ भी मैं जाऊँगा, मैं उन लोगों से चर्चा करूँगा, मेरी बात हुई उन लोगों से, समझे ना, और मेरी बात होने के बाद ही यहाँ तो वो उसमें बैठे थे आंदोलन में ना। अरे भाई तो खत्म अभी हुआ ना, कितने बजे खत्म हुआ है, 12 बजे खत्म नहीं हुआ भैया, मैं तो वहीं से 12:30 बजे का कार्यक्रम इसके पहले मैंने ही किया था आज 36 साल पहले और वो आज हुआ है। इसके साथ एक नुक्कड़ नाटक हुआ है, उस नुक्कड़ नाटक में श्वेता यादव करके लड़की है, कैरेक्टर है उस नाटक की, उसने नगर निगम के भ्रष्टाचार को नाटक के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम नेतृत्व पे नगर निगम का घेराव था, 500 मटके फोड़े गए हैं और पानी की किल्लत तो ही है। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व पे हम लोगों ने यहाँ जो संघनाथ यात्रा की थी अध्यक्ष जी ने, वो उन विषय को और 18 बिंदु जो 18% कमीशन पे 18 माह के उन लोगों को हमने अपनी बात रखी और रखने के बाद चर्चा हुई है, और चर्चा के दौरान उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हम निराकरण करेंगे
और अध्यक्ष जी को इसकी जानकारी देंगे। पानी का काम हो चुका है, लगता है आप गए नहीं है शहरों में, अभी वार्डों में जाके आप देखे नहीं है। पानी सतत प्रयास रहती है और पानी की जो समस्या है वो एक सतत समस्या है। ऐसा कोई क्विक फिक्स नहीं लगता कि एक मशीन लगा दिया और सबको पानी घोटे हैं, मशीनरी है खराब होती है, तो ऐसा ही काम चलता है। जहाँ भी दिक्कत आती है वहाँ पे हम टैंकर भिजवा रहे हैं, और जहाँ पे पानी का प्रेशर नहीं आ रहा है वहाँ पे हम लोग अलग अलग उस पर अलग अलग सिलेंडर टाइम में पानी भेज रहे हैं। पूरी कोशिश है कि गर्मी के दिन में एक भी आदमी बिना पानी मतलब ना रहे और उसको लगातार पानी। उनके विभिन्न डिमांड्स थे, जैसे ये 18 पॉइंट थे, उसके अलावा भी कई सारे उनके डिमांड्स थे। उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्वक अपने डिमांड्स को रखा और मैंने सुना, और उसमें भी जो लोकहित में जो काम है उस काम को हम लोग जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अभी आपकी अपनी पर्सनल व्यू पॉइंट है, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। मैं मानता नहीं हूँ, मैंने बोला टिप्पणी नहीं दूंगा, आपकी पर्सपेक्टिव है। आप कल बोल देंगे कि ये फेल है वो फेल है, तो फेल थोड़ी, आपके कहने से कुछ थोड़ी साबित हो जाता है। पानी वहाँ पहुँचाया जाता है जहाँ पे कोई इशू आ जाता है, पाइप टूट गया है, वहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है, तो सुबह में हम लोग टैंकर से वहाँ पानी पहुँचाते हैं। कोई कुछ फेलियर नहीं है, सब चीज़ें अच्छी से चल रही है और ऐसे ही चलती है। गौरतलब है कि चुनाव नज़दीक है और भाजपा अपनी पूरी ताकत पहले से ही झोंक देना चाहती है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी अपने बचाव में काफ़ी कुछ कर रही है। देखना लाजमी होगा कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कारनामे उन्हें जीत दिला पाते हैं या फिर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा इन 5 वर्षों में किए गए कार्यों की तूती बोलती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।